आपका, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं पार समाचार। रुड़की में भारतीय जनता पार्टी व पंजाबी कल्याण महासभा की ओर से वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस वैक्सीनेशन कैंप में इलाके के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मौके पर पूर्व जिला उपाध्यक्ष वरिष्ठ समाज सेवी संजय अरोड़ा ने बताया कि इस कैंप के आयोजन में 45 साल से अधिक वर्ष के लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, जिनको प्रथम डोज लग चुकी है। अब उनको 84 दिन के बाद वैक्सीनेशन कैंप में निःशुल्क दूसरी डोज लगाई जा रही है। वहां पर आए सभी बुजुर्गों व्यक्तियों ने इस कैंप के द्वारा लोगों को बड़ी राहत मिली है। भारतीय जनता पार्टी, पंजाबी कल्याण महासभा, रुड़की विकास मंच और टीम जीवन के सहयोग से आज हमारा चौथा कैंप यहां गणेशपुर में हमने साईं प्लाजा में लगाया है। पहला जो RT-PCR और वैक्सीनेशन कैंप हमने पहला लगाया था वो रामनगर में बारातगर में लगाया था। दूसरा कैंप हमने केवल वैक्सीनेशन के लिए लगाया था, 45 प्लस वालों के लिए था, वो भी धर्मशाला साकेत में लगाया था। तीसरा कैंप हमारा जो लगाया गया था वो सिविल लाइन्स में प्रेम मंदिर में लगाया था। आज ये जो कैंप लगा है 45 प्लस वालों के लिए और जिनके दिन 84 हो गए हैं दूसरी डोज के लिए, उनका कैंप ये आज गणेशपुर साईं प्लाजा में लगाया है। इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रह्मानंद जुड़ चुके हैं। ब्रह्मानंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह से वरिष्ठ समाज सेवियों द्वारा ये जो कैंप लगाया गया था, इससे क्या कुछ सुविधाएं मिली है वैक्सीनेशन कराने आने वाले लोगों को और किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं? मैं बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी पंजाबी कल्याण महासभा रुड़की विकास मंच की ओर से चौथा वैक्सीनेशन कैंप आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे भारत में वैक्सीनेशन की किल्लत भी चल रही है, लेकिन वरिष्ठ समाज सेवी संजय अरोड़ा के द्वारा लगातार क्षेत्र में वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है और इसमें 45 वर्ष से अधिक वर्ष के लोगों को वैक्सीनेशन किया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्मानंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि वैक्सीनेशन कैंप लगाकर लोगों की मुसीबतों को दरकिनार करते हुए ये कैंप लगाया गया ताकि लोगों को वैक्सीनेट कराने में ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़े और बढ़ चढ़कर लोग वैक्सीनेशन में हिस्सा ले सके। वहीं रुद्रप्रयाग में डीएम मनोज गोयल ने उद्यान विभाग के साथ मिलकर हार्टी टूरिज्म का निरीक्षण किया। बता दें कि उद्यान विभाग द्वारा इस नर्सरी में विभिन्न प्रजाति के फलदार पेड़ पौधे लगाए गए थे और निरीक्षण के दौरान डीएम ने विभाग के इस काम की तारीफ भी की। डीएम ने कहा कि नर्सरी में लगाए गए इस पेड़ों से किसानों को काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। जानकारी देते हुए डीएम ने बताया कि इलाके में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही सौंदर्यीकरण के काम को भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है। जिला उद्यान अधिकारी योगेंद्र सिंह चौधरी को निर्देश दिए गए हैं कि इलाके में मॉडल ट्रेनिंग सेंटर भी विकसित किया जाए। तो हॉटी टूरिज्म का डीएम ने निरीक्षण किया, जिसमें उद्यान विभाग के काम काजों की तारीफ भी की गई। वहीं इसमें बताया गया है, जिला उद्यान अधिकारी योगेंद्र सिंह चौधरी को निर्देश दिए गए कि इलाके में मॉडल ट्रेनिंग सेंटर का विकास भी किया जाए, जिससे और ज्यादा बढ़ावा मिल सके, लोग आकर इस सौंदर्यीकरण में हिस्सा ले और उसे देखे। तो उद्यान विभाग के काम इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सत्यपाल जुड़ चुके हैं। सत्यपाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि डीएम ने नर्सरी में लगाए गए पेड़ों का जायजा लिया, साथ ही साथ किसानों को और किस तरह के निर्देश दिए गए हैं? जी कीर्ति जी, मैं आपको बता दूं कि जनपद रुद्रप्रयाग में एक अकेला एक ऐसा मॉडल जो उद्यान विभाग की तरफ से तैयार किया जा रहा है और इसमें जो है अनेक प्रजातियों के फलदार वृक्ष और सब्जियों का उत्पादन शुरू किया जा रहा है। यहाँ पे होम स्टे की भी जो पहाड़ी शैली में है उस तरीके इसका भी निर्माण किया जा रहा है ताकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट लोग आए और यहाँ पे पहाड़ी कल्चर को पहचाने और पहाड़ी फलों का भी यहाँ पे उपयोग करके और उसकी जो लोगों को यहाँ के स्थानीय लोगों को है उनको भी यहाँ पे रोजगार मिल सके। जी पाल जी, मॉडल ट्रेनिंग सेंटर की भी बात की गई है विकसित करने की, तो उसके अंदर किस तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी लोगों को, इसकी कोई जानकारी प्राप्त हो पा रही है किस तरह से कार्य किया जाएगा? जी कीर्ति जी, मैं आपको ये बता दूं कि जिला उद्यान अधिकारी जी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने हमें इसके बारे में ये बताया है कि यहाँ पे जितने भी स्थानीय लोग हैं
जितने भी छोटे कृषक हैं जो लोग उद्यान की तरफ से काम करना चाहते हैं लेकिन उनको वो मूवमेंट नहीं मिल पा रहा है, उनको वो जानकारियां नहीं मिलती, वो यहाँ पे इस तरीके का एक सेंटर बनाया जाएगा कि यहाँ से वो मॉडल लेके जो है अपने गाँव में अपने क्षेत्र में अच्छी तरीके से कार्य करे, उसको विभाग उनको जो है सहायता प्रदान करेगा, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और यहाँ पे जो है उत्पादन की भी बढ़ोतरी होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सत्यपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लालकुआ में अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जगदीश चंद्रा स्थानीय चेकपोस्ट का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मौजूद पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि आवश्यक व छूट प्राप्त सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गाड़ियों की गहनता से जांच जरूर की जाए। मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव नहीं हो उन्हें तत्काल वापस भेज दें। अधिकारी ने चेकपोस्ट पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, साथ ही पुलिसकर्मियों को खुद भी सुरक्षा का खास ख्याल रखने के निर्देश दिए और लोगों को कोविड के नियमों का पालन करने के लिए भी कहा गया है। लॉकडाउन में धीरे धीरे सरकार के द्वारा ढील दी जा रही है, इससे मार्केट में भी काफ़ी मूवमेंट है और सड़कों में भी मूवमेंट बढ़ रहा है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होते रहे, इसके लिए पुनः जितना कोतवाली का स्टाफ है उसको ब्रीफ किया जा रहा है। आज इस चेक पोस्ट पे जो यहाँ पे ड्यूटी कर्मी हैं उनको ये बताया जा रहा है कि जो बाहर के जनपद से आने वाले लोग हैं उनके लिए जो नियम हैं वो वैसे ही बने हुए हैं, विशेषकर जो बाहरी प्रांतों से आने वाले लोग हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव अभी भी कंपलसरी है तो इसको। लालकुआ के अंबेडकर नगर वार्ड में एक जंगल के पास नवजात बच्चे का शव मिला। नवजात के शव को देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस की टीम को सूचना दी। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र के आसपास के लोगों से पूछताछ की जाएगी जिससे घटना के बारे में पता चल सके। कलियर में विजिलेंस विभाग को सफलता हार लगी है। दरअसल विजिलेंस टीम को दरगाह में तैनात एक कर्मचारी के जरिए शिकायत मिली थी कि दरगाह प्रबंधक रिश्वत की मांग करता है। आरोप है कि आरोपी प्रबंधक दरगाह कर्मचारी से तनख्वाह बनाने और उसे फिर से नौकरी पर रखे जाने के नाम पर रिश्वत ले रहा था। इसी बात की जानकारी मिलते ही टीम एक्टिव हो गई और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के निर्देश पर टीम ने दरगाह प्रबंधक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। विजिलेंस सीओ सुरेंद्र राम सामंत ने बताया कि प्रबंधक को 10,000 की रकम के साथ हिरासत में ले लिया गया है। लक्सर में पुलिस को बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने कई किलो गौ मांस के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की हिरासत में तस्करों ने कई इलाकों में अपने काम के बारे में जानकारी दी। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ गौवंश हत्या अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि आगे भी पशु तस्करों पर शिकंजा कसने की ये कार्रवाई जारी रहेगी। हमारी गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर सुल्तानपुर पुलिस द्वारा दो व्यक्तियों को जो वन्य जीव अधिनियम संरक्षण अधिनियम के तहत नील गाय को के मांस के परिवहन करते हुए दो व्यक्तियों को पकड़ा, एक जाहिद सनव सदीक तथा दूसरा है नजारत सनव यात, इनको आज प्रदेश सरकार के आदेश पर और कोरोना महामारी को देखते हुए नरेंद्र नगर सहित कई इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस चौकी में बाहरी राज्यों से पहाड़ के आने वालों की भी सघन जांच की जा रही है। बाहर से आने वाले लोगों को कोविड की निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, रिपोर्ट के आधार पर उन्हें इलाके में एंट्री के लिए अनुमति मिलेगी। पुलिस उपाध्यक्ष रविंद्र चमोली ने बताया कि कोरोना गाइडलाइंस की सख्ती से पालन करवाते हुए ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक कोरोना के मामले खत्म नहीं हो जाते। टिहरी प्रशासन है, जिला प्रशासन है, जो हमारा भद्रकाली चेक पोस्ट है, ये मुख्य द्वार है टिहरी का, और सभी लोग यहाँ से हमारे पहाड़ में जाते हैं। जो भी प्रवासी अदर स्टेट से आ रहे हैं, दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, वो अपनी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट यहाँ पर दिखा रहे हैं, उसके बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। और जो हमारे लोकल आसपास के ज़िलों से यहाँ पर हमारे टिहरी डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश कर रहे हैं उनको बिना रैपिड एंटीजन टेस्ट के एंट्री नहीं दी जा रही है। और चाहे कोई कहीं से भी लोकल या एक दिन के लिए भी कहीं पर जा रहा है तो बिना रैपिड टेस्ट के वो ज़िले में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। और ये यहाँ पर बहुत अच्छा है, जिससे हम पहाड़ों में अपने संक्रामक बीमारी को रोक सकते हैं और अपने लोगों को बाहर में।
आयुर्वेदिक और एलोपैथी को लेकर बाबा रामदेव का बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। वहीं बहादुराबाद में जिला पंचायत द्वारा निर्मित मार्ग का लोकार्पण किया गया और इस लोकार्पण में योग गुरु बाबा रामदेव शामिल हुए। यहां मंत्री अरविंद पांडे भी शामिल हुए। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि आज सालों की प्रतीक्षा पूर्ण हुई है। योग ग्राम में भारत से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं और मैं भी पिछले एक साल से योग ग्राम में ही हूँ, इसलिए मेरे द्वारा पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे से निवेदन किया गया था कि जब यहाँ पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और यहाँ की सड़क बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ है, इसलिए यहाँ आने वाले सभी नागरिकों को खासा दिक्कतों का सामना न करना पड़ रहा, इसके चलते अब जाकर यहाँ रोड का काम पूरा किया गया है। हम होते हैं वो जनहित के लिए किए जाते हैं और योग ग्राम जिसका हिंदुस्तान नहीं विश्व के अंदर जिसका नाम है और विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ अपने इलाज के लिए आएँ, बाबा जी से आशीर्वाद लेने के लिए आएँ और वहाँ की फड़कें टूटी फूटी ना हो, इससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड की छवि भी खराब होती है। तो हम लोगों के संज्ञान में आया और बाबा जी ने तो फड़क के लिए कहा भी नहीं था, इन्होंने तो कभी भी नहीं कहा। हम एक दो बार आए, हमको लगा कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ की उत्तराखंड की छवि अच्छी लेके जाएँ। इस निमित्त हमने जिला पंचायत को निर्देशित किया और हमारे डिपार्टमेंट ने फड़क को बनाया। मैं अपने डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी कर्मचारियों को मैं धन्यवाद दूंगा और मैं कोविड काल के दौरान सब लोग स्वस्थ रहें, आप लोग भी स्वस्थ रहो, मैं शुभकामना देता हूं। यहां योगा ग्राम निरामयम में भारत से लेकर के दुनिया के 50 से ज़्यादा देशों के नागरिक आते रहे हैं और पिछले एक साल से मैं यहां पर था। माननीय श्री पांडे जी को मैंने कहा कि जब सारी दुनिया यहां पर आ रही है तो ये बहुत उबड़ खाबड़ रोड है और यहां पर आकर के लोगों को काफ़ी कष्ट हो रहा है। तो इस कोरोना की महामारी के काल में भी एक तरफ जहां स्वास्थ्य सेवाओं का दबाव था, उन अपने स्वास्थ्य सेवाओं के उत्तरदायित्व को पूरा करते हुए भी ये समृद्धि के कार्यों को प्रगति दी और स्वास्थ्य और समृद्धि का एक समन्वय करते हुए यहां पर आज ये रोड बनने से लालकुआ कोतवाली क्षेत्र में तीन युवतियों को काम के बहाने स्विमिंग पूल में ले जाकर दो लोगों द्वारा उनके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। पीड़ित युवती ने बताया कि आरोपी उनको काम के बहाने वाटर पार्क ले गए जहां उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। जब युवतियां आरोपियों के चंगुल से बचने का प्रयास कर रही थी तब उसके बीच मारपीट भी हुई। आपको भी बता दें कि घटनास्थल पर मौजूद लोग मूक दर्शक बने रहे। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश हो रही है। ऋषिकेश में संघर्ष समिति के सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय का घेराव किया। टोल प्लाजा के निरस्त होने का शासनादेश की मांग को लेकर सर्वदलीय संघर्ष समिति के सैकड़ों प्रदर्शनकारी विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय का घेराव करने पहुंचे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने IDPL गोल चक्कर के पास रोक दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं घेराव करने पहुंचे प्रदर्शनकर्मियों ने जमकर नारेबाजी की। आखिरकार भारी पुलिस की मौजूदगी में प्रदर्शनकारियों को मजबूरन वापस लौटना पड़ा। हमारा मुख्य रूप से विधायक जी से, विधानसभा अध्यक्ष जी से जवाब मांगना है कि वो एक पत्र तो हमें दे दीजिए, जो आपने घोषणा करी उसका एक पत्र दे दिए, क्योंकि हमें विधायक जी की बात का विश्वास नहीं है। चाहे वो सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय की बात हो, चाहे संजय झील की बात हो, चाहे अंडरपास की बात हो, हरिपुर अंडरपास की, चाहे विस्थापित की सड़कों की बात हो, सब बातों में लगातार झूठ बोलते हुए हैं, इसलिए उनकी भरभली बातों में हमें कतई विश्वास नहीं है। जब कोई जनप्रतिनिधि जनता की अवहेलना करना लगता है और सुप्त अवस्था में आ जाता है, जनता के बीच इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है और क्षेत्रीय विधायक ने बिल्कुल अनसुना कर दिया, उनको कोई चिंता नहीं है, क्षेत्र में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, अवैध रूप से एक टोल प्लाजा। रुड़की के पुरानी तहसील में अज्ञात बदमाशों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। अज्ञात बदमाशों ने एक अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल का मुआयना करते हुए बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने चेकिंग अभियान भी शुरू कर दिया है। साथ ही मृतक अधिवक्ता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मृतक के परिजनों को भी घटना की सूचना दे दी गई है। वहीं इस पूरे मामले में SP देहात
प्रमेंद्र सिंह डोभाल का कहना है कि फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बदमाशों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमें सूचना प्राप्त हुई है कि गंगनहर क्षेत्र के अंतर्गत ये राउसमान एडवोकेट साहब हैं, इनके गोली मार के हत्या की गई है। अभी हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं और इसमें जो भी लोग इसमें शामिल हैं या जो भी हैं उनके हम जल्दी अरेस्टिंग भी करेंगे और इसमें सुसंगत धाराओं में उपयोग करेंगे। लक्सर के सुल्तानपुर क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पशुओं के तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस दो तस्करों को गिरफ्तार करने में उन्होंने सफलता हासिल करी है जबकि एक फरार हो गया। पुलिस ने तीनों अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और फरार हुए आरोपी की तलाश कर रही है। हमारी गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर सुल्तानपुर पुलिस द्वारा दो व्यक्तियों को जो वन्य जीव अधिनियम संरक्षण अधिनियम के तहत नील गाय को के मांस के परिवहन करते हुए दो व्यक्तियों को पकड़ा, एक जाहिद सनौब सदीक तथा दूसरा है नजारत सनौब लिया। इनको रुड़की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि चोरी की 7 बाइकें रुड़की पुलिस द्वारा बरामद की गई हैं और 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी के आदेश पर नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत भगवानपुर पुलिस ने हलु मजरा तिराहे पर बाइक सवार 2 व्यक्तियों को रोका जिनके पास से 48 ग्राम स्मैक के साथ ही चोरी की बाइकें बरामद की हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मैं लगातार स्मैक अभियान से एक अभियान चलाया जाता रहा है जो सीओ मंगलौर और भगवानपुर के द्वारा लगातार उसमें कई रिकवरियाँ की गई हैं। कल भी एक सूचना प्राप्त हुई थी इसमें जो यहाँ पर एक मेन जो किंगपिन था नासीन जो यहाँ पर काफ़ी समय से काम कर रहा था और उसमें नाम था, यह सूचना थी कि वो मोटरसाइकिल से आ रहा है उसके पास उसकी सामग्री है। तो जब सीओ और इनके द्वारा जब चेकिंग करेंगे सीओ के द्वारा तो इससे 48 ग्राम हमें स्नैक मिली और उसमें इससे जब और पूछताछ की गई थी तो 7 जो मोटरसाइकिल जो चोरी इससे द्वारा की गई। रुड़की में 2 ट्रांसफार्मरों में भीषण आग लग गई जिससे 1 ट्रांसफार्मर और पास में लगी एक गन्ने की चरखी जलकर राख हो गई। बता दें कि रुड़की में नेहरू स्टेडियम के पास रखे 2 ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगी। देखते ही आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया लेकिन तब तक इस भीषण आग ने ट्रांसफार्मर और एक गन्ने की चरखी को भी जलाकर राख कर दिया और ऊपर से जा रहे बिजली के तारों को भी काफी हद तक जला दिया। फोन नंबर द्वारा पता चला, आग की सूचना प्राप्त हुई, हम तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। देखा कि 2 ट्रांसफार्मर में आग लगी है और पास में ही एक गन्ने की दुकान थी इसमें भी आग लगी है। एफएस यूनिट ने तुरंत अविलंब 1 हॉज पाइप फैलाकर आग को पूर्ण रूप से बुझाया। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है और 2 ट्रांसफार्मर जल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने शफकत अली चेयरमैन प्रतिनिधि अध्यक्ष के कैंप कार्यालय मुकर्रमपुर में विशेष कैंप लगाया जहां चेयरमैन अध्यक्ष का टीकाकरण का कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं 45 साल वालों को टीकाकरण लगवाने के लिए व्यवस्था भी की गई और उन्होंने लोगों से भी कोरोना का टीका लगवाने की अपील की। और ये मैं मानता हूँ उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं जितनी मेहनत हमारा प्रशासन कर रहा है इतनी मेहनत हमारी जनता करेगी हमारे जिम्मेदार करेंगे तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और जो लोगों को भ्रमित कर रखा है वो भ्रमितपन दूर हो। मैं कि 100-150 के करीब आज हम करा के रहेंगे क्योंकि हम अपनी जनता को समझाएंगे चाहे हमें घर घर जाना पड़े इसके लिए हम जो अपनी जनता को भ्रमित कर रखा है लोगों ने। जिला चमोली के ग्राम पंचायत पैठाड़ी के ग्राम प्रधान मृत्युंजय परिहार ने अपने गांव के लिए एक अदद सड़क के लिए मुख्यमंत्री को खून से खत लिख डाला। खत को ग्राम पंचायत पैठाड़ी के एक शिष्टमंडल ने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा है। खून से लिखे ज्ञापन में उन्होंने लिखा है कि उनके गांव के लिए पिछले
2018 से पहले 2 किलोमीटर मार्ग स्वीकृत हो चुका था और लेकिन ना ही टेंडर हुए और ना ही मार्ग पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई। कहा गया है कि लोक निर्माण विभाग और जनप्रतिनिधियों से लगातार संपर्क करने पर भी उनके गांव के मोटर मार्ग पर कभी अमल नहीं किया गया, इसलिए शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण लोगों को सड़क के लिए अपने खून से मुख्यमंत्री को पत्र लिखने को विवश होना पड़ा है। वहीं मामले पर तहसीलदार सुरेंद्र सिंह देव ने कहा कि पैठाड़ी ग्रामवासियों का ज्ञापन वो जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजने की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। ग्राम पैठाणी के जो प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है उनके द्वारा एक ज्ञापन हमको प्रेषित किया गया है। उस ज्ञापन को हम अग्रिम कार्यवाही हेतु उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जिला स्तर को भेजा जाएगा और वहां से वो माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर दिया जाएगा। उनकी मांग ये है कि विगत कई वर्षों से वो अपने ग्राम पैठाणी के लिए मोटर मार्ग की मांग कर रहे हैं, कई बार और उनको आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि अभी तक इस मोटर मार्ग का कार्य स्वीकृत नहीं हो पाया है और उसका कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, तो उन्होंने इसके लिए पिरान कलियर थाना क्षेत्र के बेटपुर गांव के जंगल में चल रहे खनन पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से एक जेसीबी और एक डंपर पकड़ा है। आपको बता दें कि कलियर थाना क्षेत्र के बेटपुर गांव में खनन माफिया परमिशन की आड़ में रात भर खनन का कार्य कर रहे थे, तो वहीं ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक डंपर और एक जेसीबी मशीन को पकड़ा है। खनन माफिया पुलिस को आता देख मौके से तो फरार हो गए। एएसडीएम पूरन सिंह राणा ने बताया कि यदि परमिशन की लिमिट से अधिक खनन किया गया तो खनन कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मैं कल शिकायत कंप्लेंट आई थी कि वहां पर जिस व्यक्ति को परमिशन इशू की गई है, कंप्लेंट करने वाले व्यक्ति का ये कहना था कि टोटल 94 घन मीटर की उनको परमिशन दी गई है, तो इमीडिएटली मौके में नायब तहसीलदार और लेखपाल को भेजा गया था। तो बेड़पुर में जिस व्यक्ति को परमिशन दी गई है 6000 समथिंग घन मीटर की उसको परमिशन इशू की गई है एक टाइम फ्रेम के लिए, तो वो व्यक्ति उसी लिमिट में मिट्टी का उठान करें और नियत समय में करें। तो इसके रिगार्डिंग SHO एंड थाना कलियर को भी डायरेक्शन दिया गया। पहाड़ समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। नमस्कार।